हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में आयतन और धारिता, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी का अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम इस पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। देखो थॉमस, आजकल ये चिप्स इन बेलन आकार डिब्बों में बिकने लगे हैं। ये डिब्बे देखने में तो इतने बड़े नजर आते हैं, लेकिन इन्हें खोलने पर ये ज्ञात होता है कि ये ग्राहकों को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा क्यों मानस? क्योंकि जब आप बॉक्स को बाहर से देखते हैं, तो बॉक्स का आधार यहाँ नजर आता है। हालांकि यदि आप बॉक्स को अंदर देखते हैं, तो आधार इस ऊंचाई पर नजर आता है। इसका मतलब इस डिब्बे का आयतन, वॉल्यूम और धारिता, कैपेसिटी अलग अलग हैं। वो कैसे? चलो मैं तुम्हें ये गणित के द्वारा समझाता हूँ। ये गणित का समय है। चलो मानस, पहले हम इस बेलनाकार डिब्बे का आयतन, वॉल्यूम ज्ञात कर लें। डिब्बे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और डिब्बे की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इसलिए इस तरह से हल करने पर हम देख सकते हैं कि बेलनाकार डिब्बे का आयतन, वॉल्यूम 704 घन सेंटीमीटर है। और मानस देखो, इस बेलनाकार डिब्बे की धारिता, कैपेसिटी ज्ञात करने के लिए हमें डिब्बे की ऊंचाई केवल उसके भीतर वाले आधार के स्तर तक ही नापनी है, क्योंकि डिब्बे में हम केवल उसी स्तर तक वस्तुएं भर पाएंगे। अब क्या तुम मुझे डिब्बे की धारिता ढूंढ कर बता सकते हो? बेलनाकार डिब्बे के आधार की त्रिज्या उसके भीतर और बाहर दोनों के आधारों के लिए बिल्कुल समान 4 सेंटीमीटर ही है, लेकिन इसके भीतर के आधार तक की ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। अब इस तरह से हल करने पर हम देख सकते हैं कि डिब्बे की धारिता, कैपेसिटी 528 घन सेंटीमीटर है। और तुम तो जानते ही हो थॉमस कि 1 घन सेंटीमीटर 1 मिलीलीटर के बराबर है। इस तरह डिब्बे की धारिता, कैपेसिटी 528 मिलीलीटर हुई। देखा मानस, एक ही डिब्बे का आयतन, वॉल्यूम और धारिता, कैपेसिटी अलग अलग हो सकते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रहे थे थॉमस, ये तो सरासर लूट है। चलो हम अपनी दुनिया में लौट चले। इस उदाहरण के साथ हमने देखा कि किस तरह आयतन और धारिता, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी पर आधारित हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं को हल किया जा सकता है।